नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त अंकित। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप सेव टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एप्पल स्टूडियो मोबाइल में किसी भी पैटर्न को कैसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप की तो दोस्तों आप नहीं सीख सकते कि किसी भी टेम्पलेट को हम सेव टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं या दोस्तों किसी भी पैटर्न को कैसे सेव कर सकते हैं ड्रम सिक्वेंसर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ भी बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, थोड़ी सी स्किप ना करें। और दोस्तों आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एप्पल स्टूडियो मोबाइल में फुल मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे कॉन्टैक्ट करें। अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों, हम आपको फुल कोर्स कराएंगे, पर दोस्तों आपका थोड़ा चार्ज लगेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको एप्पल स्टूडियो मोबाइल भी चाहिए तो दोस्तों मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको एप्पल स्टूडियो मोबाइल दे दूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, थोड़ी सी स्किप नहीं करना अगर आपको आज एक सीक्रेट बात सीखनी है अपने एप्पल स्टूडियो मोबाइल में। और दोस्तों अगर आपको EDM मिक्सिंग में सॉन्ग रिमिक्स करना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगा, आप उसे देखकर EDM मिक्सिंग सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना एप्पल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए एप्पल स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखिए मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप सेव टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट को कैसे सेव कर सकते हैं, किसी पैटर्न को कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करना होगा, जैसे कि दोस्तों हम कोई पैटर्न बनाते हैं उसमें बेरवेल कोई लूप लेते हैं, मतलब कोई किक लेते हैं, कोई हेट लेते हैं, वो आपको बेरवेल लेनी नहीं पड़ेगी अगर आप टेम्पलेट अपना सेव कर लेते हैं पैटर्न को, वो एक ही बार लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बना के दिखाता हूँ। ये देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ड्रम सिक्वेंसर में जाते हैं, ठीक है। तो समय पहले दोस्तों हम कोई किक ले लेते हैं। ये देखिए मैं कोई किक ले लेता हूँ दोस्तों, सिंपल सा मैं अपनी कोई किक ले लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैंने एक किक ले ली और ये फोर स्टेप पे लगा दी। दोस्तों हमेशा किक जो लगती है फोर स्टेप पे लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें कोई हेट ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैं एक हेट भी ले लेता हूँ। ये देखिए मैं अपनी कोई हेट लेता हूँ इसमें से, दोस्तों मैं अपने दूसरे सॉन्ग में से कोई हेट ले लेता हूँ सिंपल सा। ये देखिए इसमें दोस्तों कोई हेट नहीं है, वन मिनट। दोस्तों ये देखिए मैं इस सॉन्ग में देता हूँ दोस्तों, ये हेट लगा लीजिए दोस्तों, हेट हमें से तीसरे नंबर पर लगती है, ठीक है। फिर इसके दोस्तों मैं सिंपल सा क्या करना, मैं सिंपल सा इसमें एक इलेक्ट्रो ले लेनी है, सिंपल सा छोटा सा पैटर्न बन जाएगा। छोटी सी चीज़ें बताऊँगा पर दोस्तों काम की बहुत ही, ठीक है। कोई इलेक्ट्रो ले लेता हूँ दोस्तों सिंपल सा। ये देखिए कोई GMS इलेक्ट्रो पड़ी है मेरे पास, ये देखिए ये रही। इस इलेक्ट्रो को लेने का दोस्तों मैं इलेक्ट्रो में से चार और तीन लगती है, काले का चौथा सफ़ेद का तीन दोस्तों। इसी प्रकार से आपको इसमें इलेक्ट्रो लगा देनी है और सिंपल से देखिए हमारा पैटर्न बन चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा इसे सेव कैसे कर सकते हैं, फिर इसे दूसरे सॉन्ग में यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल से देखिए पैटर्न सुन लेते हैं पहले, देखिए थोड़ी स्पीड इसकी फास्ट कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए तो पैटर्न बन चुका है दोस्तों। हम इस पैटर्न को सेव कर लेते हैं तो हमें बेर बेर इसमें सैंपल लेने नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट पैटर्न बना सकते हैं। तो हमें सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे इस पर होल्ड क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिख रहा है सेव टेम्पलेट, समय ऊपर दिख रहा है ये वाला, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस पर अगर ड्रम्स वन, तो आप यहाँ अपने पैटर्न का कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अपने पैटर्न का नाम डाल देता हूँ GMS PAWTEN, ठीक है दोस्तों, GMS पैटर्न। तो हम इसे क्लिक कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सेव करने के बाद हमें दोस्तों सिंपल सा क्या करना होगा, अब जैसे कि हमने ये डिलीट कर दिया, हमने ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, हमारा टेम्पलेट जो सेव होगा, अब हमारा पैटर्न जो सेव हो चुका है। अब देखिए मैं उसे कैसे वापसी पाऊँगा ही, तो हम इसमें सिंपल सा अपना कोई सॉन्ग ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉन्ग ले लेता हूँ कोई, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये सॉन्ग है 122 BPM का है। अब हमें ये मिक्स करना है, तो हमें सिंपल से क्या करना है, हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। और दोस्तों हमें इसमें पैटर्न बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पैटर्न पहले बनाया है हमने, वो सेव कर रखा है। तो हमें दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ड्रम सिक्वेंसर में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ जाना है ड्रम टेम्पलेट में और फिर यहाँ माई फाइल में और फिर यहाँ माई इसमें, फिर ये देखिए हमारा GMS पैटर्न यहाँ आ गया, तो हमें क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें लूप लेने नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट पैटर्न बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ ये किक आ गई दोस्तों, फोर स्टेप पर किक लगा देते हैं, ठीक है। और सिंपल सा तीन नंबर पर हेट,
और 4-3 पर अपनी बेसलाइन। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सैंपल लिए नहीं है, डायरेक्ट टेम्पलेट सेव करके अपना जो है कि पैटर्न बना दिया। अब दोस्तों आप इसी प्रकार से किसी भी टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न को, और उसे यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे सॉन्ग में, ठीक है दोस्तों। और किसी पैटर्न को इसी प्रकार से सेव किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको हल्की सी ये आपको सॉन्ग, ये आप किसी भी सॉन्ग में रिमिक्स कर सकते हैं वो उस पैटर्न को सेव करके, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी आज की वीडियो थी कि दोस्तों किसी भी पैटर्न को सेव कैसे करें और किसी भी टेम्पलेट को सेव कैसे करें। और दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो मॉल के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए, तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों मैं सिंपल से ऐसे बैक हो जाता हूँ, ठीक है, बैक होने का। दोस्तों अगर आपको दोस्तों एफएल स्टूडियो मॉल का कोई भी सैंपल या कोई भी लुप या कोई भी सैंपल चाहिए तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसके ऊपर ये वीडियो जरूर लाऊंगा। अगर आप दोस्तों कोई भी सैंपल या कुछ भी चीज़ चाहिए आपको, अगर वो मेरे पास होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबा दें। और दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो मॉल का फुल कोर्स करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करें, हम आपको फुल कोर्स कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।